सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेटोगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसे हम UPI कहते हैं शॉर्ट में। आपने भीम ऐप के बारे में सुना होगा, गूगल पे के बारे में सुना होगा, पेटीएम के अंदर भी आजकल UPI पेमेंट सिस्टम आ गया है, फोन पे पे आ गया है, काफी सारी आजकल बैंकों की भी एप्स हैं जिसमें UPI पेमेंट सिस्टम आ गया है। लेकिन फिर भी काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। इनफैक्ट हमने एक छोटा सा सर्वे भी किया था, आप उसको एक बार देखिए। क्या आप भीम और डिजिटल वॉलेट में क्या अंतर होता है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं सर। क्या आप जानते हैं ये डिजिटल वॉलेट और UPI में क्या अंतर है, भीम UPI में? भीम UPI आई थिंक गवर्नमेंट ऐप है। और दूसरी कौन सी बताई आपने? ये आपका डिजिटल वॉलेट मतलब क्या होता है? डिजिटल वॉलेट में हम, मेरे ख्याल में प्राइवेट कंपनीज भी हैं और सब भी इन्वॉल्व हैं। UPI से हम अपना फ़ोन लिंक करके पेमेंट कर सकते हैं किसी को भी। सर क्या आप जानते हैं डिजिटल वॉलेट और भीम UPI में क्या अंतर है? सर जो डिजिटल है वो डायरेक्टली बैंक में भी जाता है और जो वॉलेट है वो उसका पेमेंट सिर्फ वॉलेट में रह जाता है। क्या आप जानते हैं डिजिटल वॉलेट और UPI में क्या अंतर है? नहीं है हमारे को। हाँ भैया, तो आप ये ऊबर में गाड़ी चलाते हो तो आप क्या यूज़ करते हो? ये पेटीएम वगैरह यूज़ करते हो? पेटीएम, UPI, भीम ऐप, ये सब कुछ यूज़ करते हो? तो जैसा आपने देखा, UPI के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है अभी भी लोगों को, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेमेंट सिस्टम है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, डिजिटल वॉलेट्स जैसे कि पेटीएम वगैरह ये काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं, लोगों को सुविधा काफ़ी है, बहुत फास्ट आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। सेम ही चीज़ आपकी UPI में हो जाती है, लेकिन UPI में ऑनलाइन बैंकिंग के भी आपको फायदे हो जाते हैं। तो ये दोनों फायदे जब कंबाइन हो जाते हैं तो आपका UPI सिस्टम बन जाता है, और मेरे हिसाब से ये हर पेमेंट सिस्टम से बेहतर है, चाहे हम कैश की बात करें, चाहे हम ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम की बात करें, चाहे हम क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स की बात करें, या फिर डिजिटल वॉलेट्स की बात करें। तो ये पेमेंट सिस्टम क्यों इतना बेहतर है, हम 11 बड़े फायदों की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आप इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले तो मैं आपको UPI का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। UPI हो गया आपका यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसको लॉन्च किया था NPCI ने, जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 2016 में ये लॉन्च हुआ था। ये RBI के अंदर ही रेगुलेट होता है। NPCI भी आपकी RBI के अंदर ही काम करती है। तो UPI पेमेंट सिस्टम है क्या, ये आपका खाली मोबाइल से ऑपरेट करता है, इंटर बैंक ट्रांसफर होता है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर हो जाता है और एकदम इंस्टेंटेनियस होता है। तो ये इंस्टेंट रियल टाइम मनी ट्रांसफर सिस्टम है। अब हम ट्रांजैक्शन लिमिट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर हम भीम ऐप की बात करें, जो UPI का बेस है, जो गवर्नमेंट की ऐप है, उसके अंदर डेली ट्रांजैक्शन लिमिट है आज की डेट में 40,000 रुपए और पर ट्रांजैक्शन लिमिट है 20,000 रुपए, और एक दिन में आप 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन मर्चेंट ट्रांजैक्शन, यानी कि अगर आप कोई शॉपिंग करते हैं किसी दुकान पर जाके, उसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं प्राइवेट ऐप्स की। प्राइवेट ऐप के अंदर ट्रांजैक्शन लिमिट 1,00,000 पर डे की है और पर ट्रांजैक्शन लिमिट भी 1,00,000 की है, और टोटल वहां पे भी आपको 10 ट्रांजैक्शंस मिल जाती हैं पर डे की, और मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पे वहां पे भी कोई लिमिट नहीं है। तो हमने बेसिक्स तो समझ लिए UPI के, अब हम इसके बेनिफिट्स जानते हैं। जो मैंने आपसे कहा कि मैं 11 बड़े बेनिफिट्स की बात करने वाला हूं, पहला बेनिफिट है इसके अंदर आपका इंटरेस्ट लूज नहीं होता है। यहां पे अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है डायरेक्टली, जैसा पेटीएम के अंदर अगर आपने पैसे डाल लिए मोबाइल वॉलेट के अंदर, या फिर अमेजॉन पे के अंदर डाल लिए, ओला मनी के अंदर डाल लिए, तो वो वाले पैसे पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे क्योंकि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट लॉस नहीं होता है। दूसरा बड़ा फायदा है कि आप एनी टाइम 24/7 पेमेंट्स कर सकते हैं, जैसा IMPS के अंदर होता है। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं, वहां पे IMPS के अंदर आपको एक हैसल और होता है। आपको पहले बेनिफिशियरी को ऐड करना होता है, बेनिफिशियरी को ऐड होने में ही थोड़ा समय लग जाता है। किसी बैंक के अंदर 30 मिनट लगते हैं, किसी बैंक के अंदर 4 घंटे लगते हैं, किसी बैंक के अंदर तो 12 घंटे भी लग जाते हैं। बेनिफिशियरी ऐड होने के बाद भी आप जब ट्रांसफर कर देते हैं, अगर आप नेफ्ट सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है वो सेम डे पे ट्रांजैक्शन ना हो। तो यहां पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आपका मनी जो है किसी भी समय ट्रांसफर होता है और एकदम इंस्टेंट होता है। तो तीसरा बड़ा फायदा यहां पे हो जाता है कि आपका इंस्टेंट मनी ट्रांसफर होता है, जैसा कि डिजिटल वॉलेट्स के अंदर होता है। तो जैसे आप डिजिटल वॉलेट्स के अंदर 2 या 3 सेकंड के अंदर ही आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, यहां पे भी आप 2-3 सेकंड के अंदर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अकाउंट टू अकाउंट पैसा जा रहा है। तो यह बहुत बड़ा फायदा है। चौथा बड़ा फायदा है कि आपको मल्टीपल मोड्स ऑफ पेमेंट मिलते हैं। आप किसी के मोबाइल नंबर से, अगर किसी का मोबाइल नंबर बैंक से लिंक्ड है, उससे भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आधार नंबर अगर किसी का लिंक्ड है, आप उससे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप डायरेक्टली अकाउंट और IFSC कोड यूज करके भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
एक यूपीआई आईडी भी मिलता है आपको। आप जब मोबाइल को यूपीआई सिस्टम से लिंक करते हैं और अपने बैंक अकाउंट से लिंक करते हैं तो आपको एक यूनिक यूपीआई आईडी मिलता है। आप यूपीआई आईडी से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और एक और मोड ऑफ पेमेंट यहां पे आ जाता है, वो है क्यूआर कोड। आपको एक यूनिक क्यूआर कोड भी मिलता है, आप क्यूआर कोड से भी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं यूपीआई सिस्टम के अंदर। पांचवा बड़ा फायदा है कि आप हर तरीके की पेमेंट कर सकते हैं। आप पीयर टू पीयर कर सकते हैं, अगर आपको किसी फ्रेंड को पैसे भेजने हैं, किसी रिश्तेदार को पैसे भेजने हैं वो आप भेज सकते हैं। आप अपनी बिल्स की पेमेंट्स कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। अपना बिजली का बिल, फोन का बिल, पानी का बिल, ये सारे बिल पेमेंट्स हो जाते हैं। आप कहीं पे बाहर शॉपिंग करने जाते हैं तो मर्चेंट पेमेंट्स भी होती हैं। आप कहीं खाना खाते हैं वो पेमेंट्स कर सकते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन इनवॉइस पेमेंट भी अब आ गया है यूपीआई 2 के अंदर, जो 2018 में लॉन्च हुआ है। तो अगर आप डिलीवरी कराते हैं, कोई ई कॉमर्स साइट से शॉपिंग करते हैं, कोई फूड मंगवाते हैं ऑनलाइन, या फिर आप कोई ट्रैवल टिकट्स बुक कराते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आप मैंडेट्स भी लगा सकते हैं। मैंडेट्स का मतलब है, अगर आप फ्रीक्वेंसी और वैलिडिटी लगाना चाहते हैं, लेट से हर महीने कोई पेमेंट जानी है, लेट से आपको रेंट भरना है किसी को, तो आप वो भी एक मैंडेट लगा सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि भाई एक फिक्स्ड टाइम पे मैं पेमेंट करना चाहता हूं किसी को। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप तो कई बार लोगों को लगता है कि नहीं मैं डिलीवरी पे ही पैसा दूं, तो वो भी आप यहां पे कर सकते हैं। आप डेट और टाइम फिक्स कर सकते हैं, तो जैसे ही आपको डिलीवरी होगी तब आपकी पेमेंट कट जाएगी। तो ये सारे सिस्टम्स और ये सारी सुविधाएं यूपीआई सिस्टम के अंदर आपको मिल जाती हैं। छठा बड़ा फायदा है कि यहाँ पे आपको नेग्लिजिबल चार्जेस पे करने होते हैं ट्रांजैक्शन के। मैंने भीम ऐप यूज करी है, गूगल पे यूज किया है, पेटीएम यूज किया है, यूपीआई सिस्टम से भी, वहां पे मेरे कोई चार्जेस नहीं कटे किसी भी ऐप के अंदर। हो सकता है कुछ बैंक्स अपने चार्जेस लगा दें तो वो भी बहुत कम चार्जेस होते हैं, अप टू 50 पैसे ही पर ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन अगर आप नेफ्ट, आरटीजीएस या आईएमपीएस यूज करते हैं तो वहां पे आपको चार्जेस ज्यादा देने पड़ जाते हैं पर ट्रांजेक्शन, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, तो थोड़े से ट्रांजेक्शन चार्जेस वहां पे ज्यादा होते हैं। और अगर आप डिजिटल वॉलेट्स यूज करते हैं तो अगर आप डिजिटल वॉलेट टू डिजिटल वॉलेट पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तब तो कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपने वॉलेट में से बैंक के अंदर पैसा ट्रांसफर करते हैं तो जैसा मैंने पहले कहा 3-4% पेटीएम भी चार्ज करता है और बाकी के सारे ऐप्स भी चार्ज करते हैं, तो वहां पे आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस लग जाते हैं। यूपीआई के अंदर ये सारे ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं है। फिर सातवां बड़ा फायदा है कि काफी सिक्योर ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे सिंगल क्लिक 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिलता है आपको। एक तो हो गया आपका ट्रांजैक्शन आईडी, जैसे कि यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर या फिर क्यूआर कोड वगैरह आपका यूज होता है ट्रांजैक्शन के लिए। और दूसरा आपको यूपीआई का एक पिन भी डालना होता है ट्रांजैक्शन के लिए। तो यहाँ पे एक तरीके से काफी सिक्योर ट्रांजैक्शन है। और दूसरी सिक्योरिटी आ जाती है आपकी कि आपको किसी तरीके की कोई डिटेल शेयर नहीं करनी है, ना ही कोई अकाउंट नंबर देना है, बैंक डिटेल्स देनी है, आईएफएससी कोड देना है किसी को। खाली आपके मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी से ही पैसा ट्रांसफर हो जाता है। आठवां बड़ा फायदा है, सेंड और रिक्वेस्ट दोनों ही सिस्टम मिलते हैं आपको। सेंड तो हो गया कि आपको किसी को पैसा भेजना है, मोबाइल नंबर यूपीआई आईडी से आपने पैसा भेज दिया। दूसरा हो गया आपका रिक्वेस्ट मनी। आप किसी फ्रेंड को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसको पैसों की रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो अग्री करेगा तो अपना पिन डालेगा और ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन हो जाएगा। आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, मर्चेंट अपनी सारी डिटेल्स डालेगा और आपके पास आ जाएगा वो, और आप पिन डालेंगे तो भी उसको पैसा चला जाएगा। तो यहाँ पे सेंड और रिक्वेस्ट दोनों ही सिस्टम आपको मिल जाते हैं। नौवा बड़ा फायदा है कि आप एक ही ऐप के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। भीम ऐप के अंदर तो आप सिंगल अकाउंट ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे है और बाकी काफी सारी ऐप्स हैं जिसके अंदर आप मल्टीपल अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं और सिंगल अकाउंट से आप उसको यूज कर सकते हैं। मतलब सिंगल ऐप से सारे अकाउंट्स को आप मैनेज कर सकते हैं, आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। दसवां बड़ा फायदा है कि आप अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज करते हैं, आप अगर कोई बिजनेसमैन है तो आप ओवरड्राफ्ट अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं अपने यूपीआई ऐप के साथ। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट में खाली 50,000 रुपए ही हैं और आपको 70,000 रुपए की कहीं पर ट्रांजेक्शन करनी है, आपको रिक्वायरमेंट एकदम से आ जाती है। अब क्योंकि आपका ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी लिंक्ड होगा तो आप वो ट्रांजेक्शन आराम से कर पाएंगे। और यहाँ पे 11वां फायदा है ऑफलाइन ट्रांजेक्शन का। *99# दबा के आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। बाई चांस आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप ये *99# दबाइए और वहां से भी आप अपनी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो ये तो सारे बेनिफिट्स की हमने बात कर ली कि आपको एज अ कंज्यूमर क्या फायदा होगा यूपीआई सिस्टम से। और मेरे हिसाब से आप अगर यूपीआई यूज नहीं करते हैं तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई यूपीआई ऐप जरूर यूज करनी चाहिए। अब देखिए इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है यूपीआई सिस्टम से। पहली बात तो कैश का अगर यूजेज कम होगा तो ब्लैक मनी का यूजेज कम होगा, पेपर वर्क कम लगेगा, एटीएम मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे इतने सारे, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। इनफैक्ट अगर हम स्मार्टफोन्स का यूजेज देखें इंडिया के अंदर तो ये काफी तेजी से फैलता जा रहा है। इनफैक्ट जितने भी आपके डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स हैं उनका पेनेट्रेशन बहुत कम है और स्मार्टफोन्स का पेनेट्रेशन काफी ज्यादा है।
तो लोगों को यूपीआई सिस्टम यूज करना ज्यादा आसान पड़ेगा, और क्योंकि अब ज्यादातर लोग स्मार्टफोन्स यूज कर लेते हैं तो यूपीआई सिस्टम यूज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट हो सके और वो भी हो सकता है यूपीआई ऐप यूज करना शुरू कर दें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यूपीआई के साथ वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं फ्यूचर वीडियोज के लिए तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।